मॉर्निंग दोस्तों, आज हम लत्ती की संरचना और शिकारी के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी यूजफुल होने वाला है आपके लिए काफ़ी। तो मेरे साथ बने रहिए, स्टार्ट करते हैं भाई रक्त की संरचना और कार्य। ठीक है, सबसे पहले तो रक्त क्या होता है? ठीक है, रक्त क्या है? तरल से युज उत्तक है। ठीक है, तरल पदार्थ, और ये जो होता है शरीर में नियमित संचारित होता रहता है। ठीक है, इसका लाल रंग है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, स्टार्ट करें। रक्त लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचरित होता रहता है। यह रंग इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का रंग पाया जाता है। रक्त संयोजी ऊतक होते हैं। रक्त क्या एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें चार चीज़ें पाई जाती, प्लाज्मा, लाल रक्तकण, श्वेत रक्तकण, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, WBC बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, एक तो प्लाज्मा होता है, RBC होती है, WBC और प्लेटलेट्स, ये चार चीज़ें मिलकर रक्त बनाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। प्लाज्मा तरल द्रव होता है, इससे फ्लूइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं जो उसमें तैरती रहती है। ये कोशिकाएँ लाल रक्त कोशिकाएँ, श्वेत रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा होता है वह द्रव पदार्थ होता है ना, फ्लूइड मैट्रिक्स, और इसमें तीन प्रकार की कोशिका होती है, RBCs, WBC और प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलाकर प्लाज्मा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब देखते हैं रक्त के कार्य। रक्त क्या क्या कार्य करता है? ठीक है, मनुष्य के शरीर में रक्त का तीन मुख्य कार्य होता है, यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में पदार्थों का परिवहन, जैसे श्वसन, गैस, अपशिष्ट पदार्थ, एंजाइम, रोगों से रक्षा, शरीर का तापमान का नियंत्रण करना। ठीक है, सबसे मुख्य कार्य होता है परिवहन, श्वसन गैसों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, एंजाइमों का परिवहन, शरीर के रोगों से रक्षा करना, शरीर का ताप नियंत्रित करना, ये सब जो है रक्त के कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पहला कार्य, रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। दूसरा है, यह फेफड़े से ऑक्सीजन लेता है और शरीर के अन्य अंगों में पहुँचाता है। फेफड़ों से क्या लेता है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है। इसके साथ हीमोग्लोबिन के साथ जो RBCs में होता है उसके साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलती है। ये HbO2 ब्लड के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ये होता है अस्थायी यौगिक। जहाँ पर भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वहाँ हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला देखिए, सांस बाहर छोड़ने के लिए शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसे फेफड़ों में पहुंचाता है। ठीक है, जो अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य भी किसका होता है? रक्त का। छोटी आंत में पचाए गए भोजन को लेता है और शरीर के सभी अंगों तक, छोटी आंत में जो भोजन डाइजेस्ट होता है ना, पच जाता है, वहाँ से जो भी पोषक पदार्थ रहते हैं उन सभी को लेता है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन लेता है, शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं उनसे भी हार्मोन लेकर शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है। आगे देखिए, यह जिगर से अपशिष्ट पदार्थ यूरिया, जिसे अपन लीवर बोलते हैं ना, या यकृत, और उत्सर्जन हेतु उसे गुर्दे में ले जाता है। जो अपशिष्ट पदार्थ यूरिया बनता है, ठीक है, उसको लेता है और कहाँ पर ले जाता है? किडनी में या यकृत वक में। ठीक है, संक्रमण से बचाने का कार्य करता है। ये सभी जो कार्य हैं रक्त के कार्य हैं, तो आप सबको याद रखने हैं कौन कौन से मुख्य कार्य हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, औसतन एक स्वस्थ पुरुष के शरीर में 5 लीटर रक्त होता है। ठीक है, जबकि महिलाओं के शरीर में पुरुषों के मुकाबले 500 ml कम रक्त होता है। ठीक है, कुल रक्त शरीर के वजन का 60 से 80 ml पर किलोग्राम होता है। ठीक है, मतलब 5 लीटर रक्त रहता है एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में। ठीक है, और महिलाओं में कितना होगा? इसका 500 ml कम। ठीक है, आगे देखते अपन प्लाज्मा क्या होता है ना। प्लाज्मा, यह तरल और रक्त के तरल हिस्से को प्लाज्मा कहते हैं।
जो रक्त का तरल हिस्सा होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। रंगीन तरल होता है जिसमें 90% पानी होता है। 90% क्या होता है? वाटर। पानी, प्रोटीन और कार्बनिक लवण होते हैं। इसमें घुलनशील रूप से ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वसा, यूरिया, हार्मोन, एंजाइम जिससे कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, शरीर में यह घुलनशील पदार्थों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुँचाता है। ये भी क्या करता है, जो घुलनशील पदार्थ होते हैं उनको एक हिस्से से दूसरे हिस्से में। प्लाज्मा के प्रोटीन में एंटीबॉडीज होते हैं। क्या होते हैं? एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज होते हैं जो बीमारियों और संक्रमण के खिलाफ शरीर की रक्षा प्रणाली में सहायता करते हैं। जब भी अपने शरीर में बीमारी हो जाती है, संक्रमण हो जाता है, तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उसे रक्षा करने का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए अब देखते अपन RBCS या लाल रक्त कणिका है। ठीक है, इसे एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये याद रखना, आपकी RBCS को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये बहुत सी बार पूछा गया। डिस्क के आकार वाली ये कोशिकाएं मध्य में अवतल होती हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। ठीक है, RBCS फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुँचाते हैं। इनमें नाभिक नहीं होता है। जो RBCS होती हैं उनमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नाम का एक वर्णक होता है। हीम नामक नाम के लोह वर्णक और ग्लोबिन नाम के प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें एक भाग तो लोह वर्णक होता है, दूसरा भाग होता है ग्लोबिन प्रोटीन। RBCS प्लीहा और अस्थि मज्जा में बनता है। RBCS कहाँ बनता है? प्लीहा और बोन मेरो में। ठीक है, चूँकि नाभिक नहीं होता इसलिए केवल 4 माह तक जीवित रह पाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नाभिक नहीं होता है इसलिए इसका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन होता है। कितना होता है? 120 दिन, ये याद रखना। देखिए, इसलिए जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने के लिए रक्तदान करते हैं तब हमारे शरीर में होने वाली खून की कमी एक दिन में पूरी हो जाती है, क्योंकि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाएं बहुत तेज़ी से बनती है। RBCS का जीवन काल 100 से 120 दिन। ठीक है, ज़्यादातर बुक्स में 120 दिन दे रखा है। ठीक है, तो 120 दिन, 4 माह मतलब लगभग 120 दिन होता है। तो यह याद रखना आप कि RBCS का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज होता है। यहाँ RBCS का जो है स्ट्रक्चर बता रखा है, ये मेनली हीमोग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इसकी साइज जो होती है बाइकोन की होती है, अवतल होती है। ठीक है, तो RBCS इसमें आपको केंद्रक नहीं दिख रहा होगा, है ना, न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है। ऊंट के समान एक स्तनी दिखता है लामा, जिसके RBCS में केंद्रक होता है। बाकी स्तनियों के RBCS में केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। अब देखते हैं RBCS के कार्य। ठीक है, क्या क्या कार्य? RBCS में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन खुद एक रासायनिक यौगिक का निर्माण कर फेफड़ों के ऊतकों में से ऑक्सीजन प्राप्त करता है। ठीक है, यह हीमोग्लोबिन क्या करता है? एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है, फेफड़ों से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, फेफड़ों के ऊतकों से। ठीक है, यह ऑक्सीजन ऊतकों तक ले जाता है जहाँ इसका प्रयोग ऊर्जा उत्पादित करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रिया में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद इन प्रतिक्रियाओं से उत्पाद हुए CO2 मिलता है। क्या मिलता है? CO2। और हृदय के साथ फेफड़ों में वापस जाता है जहाँ चक्र फिर शुरू होता है। अब ये CO2 वापस कहाँ जाएगा? फेफड़ों में, फेफड़ों के द्वारा बाहर, और ये चक्र कंटिन्यू चलता रहता है। आगे देखिए, श्वेत रक्त कणिका है, WBC है ना, WBC को ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। ये संक्रमण से लड़ते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, क्योंकि रोग के कारक कीटाणु को खा जाते हैं। इसी कारण शरीर की रक्षा प्रणाली का सैनिक भी, सोल्जर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? सैनिक कणिकाएं। ये गोल अनियमित आकार वाले अर्धपारदर्शी नाभिक वाली होती है। ये क्या होती है? गोल, इनका आकार जो होता है अनियमित होता है और इनमें नाभिक केंद्रक पाया जाता है। इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ये RBCS से थोड़े बड़े होते हैं। कुछ श्वेत रक्त संक्रमण का मुकाबला करने के लिए एंटीबॉडीज कहे जाने वाले रसायन बना सकती है ना। कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है? संक्रमण से रक्षा करने वाले एंटीबॉडीज बना सकती हैं। ठीक है, आगे देखिए। और हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता प्रदान, रक्त में WBC की संख्या लाल रक्त कोशिकाओं के मुकाबले बहुत कम होती है। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और WBC की संख्या बहुत कम उनकी तुलना में। ठीक है, ये ब्लड सेल्स हैं, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स,
मैक्रोफेजेस, एरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो प्रकार की जो है ब्लड सेल्स होती हैं। एक तो कणयुक्त होती हैं, कौन सी कणयुक्त, जिसको बोलते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, क्या बोलते हैं, या और दूसरी होती है अकणिकामय, जिसको बोलते हैं एग्रेन्यूलोसाइट्स। ठीक है, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में आपको इसमें कण नहीं दिख रहे होंगे ना, जबकि न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स इसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे होंगे ना। तो दो प्रकार की होती है, कणयुक्त और कणिकामय और अकणिकामय, ग्रेन्यूलोसाइट्स और अग्रेन्यूलोसाइट्स। इसके बारे में भी आगे पढ़ते हैं अपन। आगे देखिए कार्य, मोटे तौर पर WBC हमारे शरीर में रक्षा प्रणाली के तौर पर काम करता है। ठीक है, WBC कई प्रकार के होते हैं जो विशेष प्रकार के काम करते हैं, जैसे न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, जैसे न्यूट्रोफिल्स, WBC का 65-70% भाग होता है, कितना होता है 65-70%, हमला करने वाले बैक्टीरिया पर हमला कर देते हैं और अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, एक प्रकार से रक्षा प्रणाली का मेन कंपोनेंट होते हैं। लिम्फोसाइट WBC का 25% भाग होता है, कितना होता है 25%। एंटीबॉडीज उत्पादित करते हैं, ये एंटीजन से शरीर की रक्षा करते हैं और संक्रमण के खिलाफ हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, एंटीजन्स जो होते हैं, कोई भी बाहरी शरीर में प्रवेश करता है, बैक्टीरिया या कोई ऐसा वायरस रसायन जिसको अपन एंटीजन्स बोलते हैं ना। बेसोफिल्स थक्कारोधी तरल, जिसे हिपेरिन कहते हैं, का स्त्रावण करती है ना। बेसोफिल्स जो होती हैं, एक तरल का स्त्रावण करती है, जिसे हिपेरिन बोलते हैं, जो शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं ना, का स्त्रावण करती है। विशिष्ट एंटीजन के खिलाफ रक्त कोशिकाओं के थक्के जमने से रोकता है। ठीक है, जो एंटीजन्स होते हैं उनके खिलाफ अगर ब्लड का थक्का बन जाता है तो एक प्रकार से ब्लड का जो परिवहन वह रुक जाता है ना, तो उसको रोकते हैं। क्या रोकता है, हिपेरिन नाम का रसायन। देखते अपन रक्त समूहीकरण, ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, वर्ष 1900 से 1902 में लेड स्टिनर ने मनुष्य में चार रक्त समूह ए बी और ओ में बांटा। ओ को छोड़कर ए बी समूह की कोशिकाओं के अनुरूपी एंटीजन होते हैं, इसलिए ओ रक्त समूह को अपना खून दे सकता है, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ रक्त समूह वाला जो होता है यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, जो किसी को भी खून दे सकता है। और ए बी जो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है ना, जो ए बी और ओ से खून ले सकता है। ठीक है, ओ को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ओ ए बी को यूनिवर्सल रेसिपिएंट, जो खून ले सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया कि रक्त समूह किसने दिया, तो आपको याद रखना है लेड स्टिनर। ठीक है, 1900 से 1902 में लेड स्टिनर जो थे, उन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। आगे देखते अपन RH फैक्टर, ये क्या होता है ना, एक प्रकार का रक्त एंटीजन है, जिसकी खोज 1940 में लेड स्टिनर और एस वेगनर ने की थी। ठीक है, यह भी एक एंटीजन है, जिसकी खोज किसने की थी, लेड स्टिनर और एस वेगनर ने। खून चढ़ाने के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है RH फैक्टर एग्लूटिनोजन होता है, ये ज़्यादातर लोगों की RBCS में पाया जाता है, जिसे RH प्लस भी कहते हैं। ठीक है, आरंभ में यह रिसर्च बंदर में पाया जाता था पुरुषों और फिर पुरुषों में, जिन लोगों में एंटीजन नहीं होता उनके रक्त को RH नेगेटिव कहते हैं, जिसमें RH पाया जाता है उसको RH प्लस और जिसमें नहीं पाया जाता उसको RH नेगेटिव। ठीक है, इनमें RH एंटीबॉडीज प्राकृतिक रूप से नहीं होती, लेकिन RH प्लस खून को चढ़ाकर संश्लेषित किया जा सकता है, इनका संश्लेषण किया जा सकता है। RH प्लस खून को RH माइनस खून मरीज में चढ़ा दिया जाता तो सीरम में RH एग्लूटिनिन पैदा करेगा। देखो इसमें क्या बोल रहा हो कि RH प्लस खून को चढ़ाकर संश्लेषित किया जा सकता है, जिसमें RH प्लस नहीं होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, RH प्लस या पॉजिटिव ब्लड को चढ़ाकर उसको संश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, यदि RH खून को RH माइनस वाले खून के मरीज को चढ़ा दिया तो सेरम एंटी RH एग्लूटिनिन पैदा करेगा। यदि RH खून का एक खुराक दिया जाए तो दानकर्ता खून मरीज शरीर में प्रवेश करेगा और RH एग्लूटिनिन RBCS का पिंड बना देगा। ठीक है,
जो RH एग्लूटिनिन होता है खून में किसका बिंड बना देगा, RBC का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।